अगर 2024 में GTA ऑनलाइन से बोर हो चुके हो और GTA RP खेलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि कैसे इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, अपना रोल प्ले करेक्टर कैसे बनाएं एंड अपनी फर्स्ट कार और स्टार्टिंग के कुछ पैसे कैसे कमाएं। तो बहुत ही सिंपल बट डिटेल्ड ट्यूटोरियल होने वाला है, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। अब आपके मन में आएगा कि यार GTA रोल प्ले या जिसे हम शॉर्ट में GTA RP कहते हैं वो होता क्या है एंड वो नॉर्मल GTA 5 या फिर GTA ऑनलाइन से कैसे डिफरेंट है। सो देखो, नॉर्मल GTA 5 में तो आप मिशंस करते हो एंड जो स्टोरी है उसे फॉलो करते हो। GTA ऑनलाइन में भी मिशन और स्टोरी होती हैं, बट उसमें आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, अपना घर, बिजनेस, गाड़ियां सब खरीद सकते हो। बट GTA ऑनलाइन ना कुछ टाइम बाद बहुत ही सूखा पड़ जाता है एंड कुछ खास होता नहीं है करने को, ना ही नए मिशन और ना ही नए अपडेट्स। सो इसलिए GTA रोल प्ले यहाँ बेटर होता है बिकॉज ये कम्युनिटी ड्रिवन होता है एंड इसलिए अपडेट्स इसमें काफी जल्दी आते हैं। यहाँ पर ना आपको किसी करेक्टर का रोल प्ले करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गैंगस्टर का रोल कर सकते हो, पुलिस का रोल कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो या इवन आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ घर, बिजनेस एंड गाड़ी खरीदने का ऑप्शन तो है ही। देन बात आती है रिक्वायरमेंट्स की। तो पहले आपके पास GTA 5 होनी चाहिए, पायरेटेड वाला नहीं, ओरिजिनल वाला, जो आपने खरीदा हो या फिर एपिक गेम स्टोर से फ्री में क्लेम किया हो, बिकॉज रोल प्ले सिर्फ ओरिजिनल GTA 5 में ही चलता है। देन आपके पास होना चाहिए एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन। मोबाइल डेटा पे चल जाता है रोल प्ले, बट डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो वाईफाई हो अगर 5-10 MB वाला तो भी चलेगा। बाकी अगर GTA 5 चला लेते हो तो PC या लैपटॉप भी होगा, कुछ खास अलग नहीं चाहिए। अब बात आती है एक रोल प्ले सर्वर चूज करने की। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है ग्रैंड रोल प्ले, जिसमें बहुत सारे रियल सुपर कार्स भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं एंड एक बार में हजारों लोग ऑनलाइन रहते हैं। फिर बात आती है डाउनलोड करने की। तो डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक होगा। स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे ना आपको गेम में कैश और रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो आपको आगे पता चल ही जाएगा। उस पर क्लिक करने से एक नई वेबसाइट खुलेगी जिसमें आप रजिस्ट्रेशन बटन देख सकते हो। फिर आपको सर्वर चूज करना है। आप UK के फ्लैग के नीचे 1, 2 या 3 लिखा हुआ देख सकते हो। 1 का मतलब होता है EN1, 2 का मतलब EN2 और 3 का मतलब EN3। आप सिर्फ इन 3 में से किसी में ही खेल सकते हो, अगर आपको जर्मन या रशियन नहीं आती है तो। मैं खुद EN2 और EN3 में खेलता हूँ। EN3 में हमारी फैमिली ऑलरेडी है जिसका नाम है असैसिन और वहाँ 1000 से भी ज्यादा लोग हैं एंड लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसी सुपर कार्स भी हैं। सो आप EN3 सेलेक्ट करके हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज हमने रिसेंटली EN2 में भी अपनी फैमिली को ओपन किया है, सो असैसिन फैमिली आपको वहाँ भी मिल जाएगी। खैर, इनमें से कोई भी सर्वर सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भरे, जैसे कि गेम में आपका पहला नाम क्या होगा, आपका लास्ट नेम क्या होगा, एक ईमेल डालो, एक पासवर्ड बनाओ। ध्यान रखना, पासवर्ड में सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स ही डाल सकते हैं। फिर अपना ईमेल और पासवर्ड कहीं लिख लो वरना भूल जाओगे एंड हो सकता है कि भाई जो नाम आपने चुना ना वो पहले से एग्जिस्ट करता हो, तो कोई बात नहीं, कुछ और नाम सोच लो। चिंता मत करना, आप ये नाम गेम में आकर वापस बदल भी सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद डाउनलोड बटन से सर्वर सेटअप डाउनलोड होगा। इसे ओपन करो, डेस्टिनेशन चूज करो और जैसे किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही कर लो। फिर फिनिश पे क्लिक करो एंड आपका ग्रैंड RP लॉन्चर शुरू होगा। सबसे पहले वही सर्वर चूज करो जिसमें आपने अकाउंट बनाया था। देन प्ले पे क्लिक करोगे तो सर्वर की फाइल्स डाउनलोड होंगी। ये लगभग 10 से 12 GB की फाइल्स है, सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट थोड़ा टाइम लग सकता है। सो कुछ टाइम बाद वापस आओगे तो डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी होगी एंड रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ इजी एंटी चीट भी ओपन होगा जो चीटिंग एंड हैकिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। शायद अब रॉकस्टार के इन्फिनाइट लूप में फंस जाओ तो इसके लिए भाई कुछ नहीं, बस बंद करो एंड लॉन्चर को रिस्टार्ट करो। मतलब कोई भी एरर आए ना, सिंपली बंद करके रिस्टार्ट, दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस अब आपका गेम शुरू हो जाएगा, एक टेक्स्ट आएगा लोडिंग रेज मल्टीप्लेयर और फिर फिनिशिंग हैंडशेक। देन सर्वर की स्टार्टिंग स्क्रीन आ जाएगी जहां स्पेस बार पे क्लिक करोगे एंड स्टार्ट हो जाएगा। और अब अपना ID एंड पासवर्ड एंटर करना। अब आप आ चुके हो करेक्टर क्रिएशन स्क्रीन पे। यहाँ आप अपने करेक्टर की अपियरेंस सेट कर सकते हो। काफी ऑप्शंस हैं, लाइक आप नोज, आईज, माउथ, लिप्स, फेस शेप सब चेंज कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ भाई थोड़ा टाइम लेकर इसे कर लो, क्योंकि अभी तो फ्री में हो रहा है, बाद में पैसे लगते हैं। मतलब रियल पैसे नहीं, आपके इन गेम में जो पैसे हैं वो लगते हैं। बस मैंने अपना करेक्टर क्रिएट कर लिया और अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा टू एंटर द प्रोजेक्ट। वहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक वर्चुअल असिस्टेंट आएगी जो आपको गाइड करेगी क्या करना है। आप चाहो तो उसको फॉलो कर लो, वरना मैं तो सब बता ही रहा हूँ आपको। बस अब आप होटल के रूम में हो एंड यहाँ से बाहर निकल के एलिवेटर की हेल्प से लॉबी में जाओगे। अब आपकी क्वेस्ट लाइन स्टार्ट हो गई है जो आपको पूरे सर्वर के टूर देगी एंड इनिशियल कार, कुछ पैसे एंड आइटम्स भी मिल जाएंगे। अब आप बस होटल के बाहर आ जाओ एंड जो NPC खड़ी होगी उससे एक स्कूटर रेंट पे लो। अब वो वर्चुअल असिस्टेंट बता रही है कि कंट्रोल प्रेस करके आपका इंजन स्टार्ट होगा। मैप पे एक लोकेशन आ रही होगी, वहां जाओ, थोड़ा साइड में ही चलाना वरना भाई गाड़ी वाले आपको मार देंगे। फिर आप पहुंच जाओगे इलेक्ट्रिक फार्म, वहां लेफ्ट में पार्क करके अंदर जाना एंड येलो मार्कर में जाकर गेट एम्प्लॉयड पे क्लिक करना। अब आपको ना इलेक्ट्रिक पैनल्स फिक्स करने हैं, जिसके लिए
आप मार्कर पे जाओ एंड वहाँ ई होल्ड करके रखो ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। इससे आपको $50 मिल जाएंगे एंड ऐसे करके आपको $100 कमाने हैं। बस ऐसा होते ही रिसीव्ड पैकेज का नोटिफिकेशन आएगा एंड अब आप येलो मार्कर पे वापस जाकर जॉब लीव कर दो। अब आपको जाना है पोस्ट ऑफिस टू पिकअप द पैकेज। सो जो स्कूटर पहले रेंट पे लिया था ना उसी की हेल्प से पोस्टल जाओ एंड NPC पे जाके आई वॉन्ट टू पिकअप अ पैकेज पे क्लिक करो। वहाँ बेसिकली आपको $500 मिले हैं ताकि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले पाओ। सो वहाँ से बाहर निकलो एंड आपको जाना है लाइसेंसिंग सेंटर। वहाँ आपको वॉन्ट टू गेट अ ड्राइवर्स लाइसेंस पे क्लिक करना है एंड अब आप आ चुके हो एक ब्लू कार में। बस अब आपको इसे चेक पॉइंट्स के थ्रू लेकर जाना है। 5 मिनट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जिसके बाद आप स्टार्टिंग लोकेशन पे ही आ जाओगे एंड आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। अब आपको टेम्परेरीली एक ब्लैक कलर की सुपर कार दी गई है बिकॉज आपका नेक्स्ट टास्क काफी दूर है एंड ये एक फास्ट कार है। सो अब आपको जाना है फार्म पे एंड येलो मार्कर में जाके गेट एम्प्लॉयड पे क्लिक करना है। फिर आपको वाटर टैंक पे जाके अपनी कैन भरनी है, बेड पे जाके फिर वॉटरिंग स्टार्ट कर देनी है। बस 5 बेड्स को वाटर करना है एंड आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है इस बीच आपको एक सीड भी मिल जाए जो आप 2000 में सेल भी कर सकते हो। बाकी ऐसे में वो असिस्टेंट कहेगी कि भाई एक बैकपैक खरीद लो ताकि इन्वेंट्री स्पेस बढ़ जाए एंड वो पेड बैग्स के ऑप्शन देगी जो कि GC से खरीदने पड़ते हैं, मतलब रियल लाइफ पैसे से। सो जरूरी नहीं है बिल्कुल भी खरीदना, आप एस्केप दबा के इग्नोर करो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। मैं बैग खरीदना जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। अब आपको वापस से जॉब लीव करनी है एंड नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है जो क्वेश्चन से दिख जाएगी। यहाँ पर एक NPC दिखने वाला है जिसे आप रॉ मटेरियल सेल कर सकते हो। आपको ना ऑटोमेटिकली कुछ कॉपर्स मिल गए हैं सो आप उन्हें सेल कर सकते हो यहाँ पे एंड इसके बाद आपको एक फ्री स्पिन भी मिलता है रॉलेट पे, तो कर लो आप एक फ्री स्पिन, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इसके बाद स्पिन करने के लिए 7 GZ खर्चने पड़ेंगे लेकिन वो जरूरी नहीं है, सो बस एग्जिट कर दो। अब आपको वो एक पार्किंग पे ले जाएगा जहाँ आप अपनी एक्चुअल कार को स्पॉन कर पाओगे। ये है एक रैट लोडर, बहुत ही बेकार सी कार है दिखने में लेकिन स्टार्टिंग के लिए ठीक ठाक है, ये आपको गिफ्ट मिली है बेसिकली। इसके अलावा एक लग्जरी कार आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा जिससे आप एक हफ्ते के लिए ट्राई कर सकते हो बिंदास, मतलब चलाओ मजे मजे लो लेकिन हंस रहे एक हफ्ते के लिए। बाकी अपनी इन्वेंट्री चेक करना है एंड आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मिला होगा जो आप यूज कर सकते हो ट्रैवल के लिए, तो ये आप सिर्फ Level 3 तक ही यूज कर सकते हो जिसके बाद ये गायब हो जाएगा। बाकी आपको एक प्राइम भी मिला है 10 डेज का, तो उससे भी आप यूज कर लो। इसके अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं जो मैंने अलग वीडियो में बताए थे। अगर बेनिफिट्स नहीं लेने तो इसको आप सेल भी कर सकते हो, 1-1.5 लाख का सेल हो जाता है। इसके अलावा कुछ बिगनर केसेस भी मिले हैं जिनको आप ओपन कर लो तो आपको आइटम्स मिल जाएंगी एंड ये आपके काम ही आएंगी, लाइक क्लोथ्स या फिर मेबी पिकेक्स मिल जाएगी या फिर कुछ और। फिर 4 GC भी मिले होंगे, इनसे आप 2-2 GC वाली 2 क्रेट्स ओपन कर सकते हो जो एम्प्रेस करके शॉप में जाकर प्राइजेस में मिलती है। इससे आपको पैसे मिल जाएंगे, वरना किस्मत अच्छी रही तो एक कार भी मिल सकती है। बाकी आपने मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन किया था ना, इसलिए Level 5 कंप्लीट होते ही आपको एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलेंगे। बस हाँ, ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है ना, आ चुके सर्वर में, स्टिल इसका Part 2 अगर देखना है तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो एंड Grand RP के कुछ रूल्स जानने उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, GT गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर GTA वीडियोस एंड Grand RP ट्यूटोरियल्स, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।